सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों साथ है आपके यूट्यूब चैनल टीकेबी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी पहली यूट्यूब अर्निंग के बारे में कि मेरी पहली यूट्यूब अर्निंग कितनी आई थी और कब आई थी, ये भी हम बात करेंगे। प्लस कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप यूट्यूब में अर्निंग करते हो और कौन सा मेजर सोर्सेज रहता है आपकी यूट्यूब अर्निंग का, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कितने रुपए कितने लाख सब्सक्राइबर्स पे या कैसे कैसे कमाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब को एज अ फ्यूचर विजन लेकर चल रहे हो कि मेरे को अपनी मेजर जो अर्निंग है या फिर मेरे को एज अ फुल टाइम यूट्यूबर बनना है, आप एक कैरियर देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज डीप में बात करने वाला हूँ अर्निंग को लेके। तो अगर आपका मोटिव अर्निंग है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्योंकि आपको मचाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी पहली यूट्यूब अर्निंग की, जो कि आई थिंक 4 से 5 महीने की होगी। और ये मैं आपको बता देता हूँ, 24 अगस्त को मेरे पास आई थी। और जो यूट्यूब की अर्निंग होती है वो 21 डेट से लेकर आई थिंक 20-29 के बीच में रिलीज की जाती है। अगर वीकेंड आता है तो वो उस हिसाब से थोड़ा डिले वगैरह हो जाता है। और 2 टैक्सेस करते हैं, 1 ₹50 का टैक्स करते हैं, काफी लोगों को ये भी डाउट है कि कितने रुपए करते हैं। तो मेरी जो टोटल अर्निंग आई थी वो आई थी 9,497 रुपीज़। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा मेल का, जिसमें 2 टैक्सेस कटे थे, 1 ₹50 कटे थे और एक कमीशन टाइप का, और एक कटा था मेरा 45 रुपीज़ जो कि सर्विस चार्ज करके था। तो ये 2 चार्जेस कटे, यानी बाकी अमाउंट जो रहा आप ये माइनस कर लो 9,497 में। ये मेरी यूट्यूब की अर्निंग है जो कि आप देख रहे होगे 4-5 महीने में अगर इतनी आ रही है तो बहुत कम है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2020 पे लोग पूछते हैं सब्सक्राइबर पे पैसे आते हैं, लाइक्स पे आते हैं, कमेंट्स पे आते हैं। मैं आपको बता दूँ व्यूज़ पर पैसे आते हैं, प्लस आपकी एक वीडियो के ऊपर कितने वीडियो एड्स चले उसकी क्या कॉस्टिंग थी उस हिसाब से जो है पैसे कैलकुलेट होते हैं। तो कई बार ₹1,000 भी $1 बन जाता है, कई बार 2,000 व्यूज पे भी $1 बनता है। तो ये चीज कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना आएगा, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, कितने जो एड्स है वो आपके यूट्यूब वीडियो पे देखे थे, ये चीज पे डिपेंड कर जाता है। प्लस कैसा टाइम चल रहा है, काफी कई बार होते हैं यूट्यूब के पास एडवर्टाइजमेंट कम होते हैं तो कम शो होते हैं, तो उस हिसाब से आता है। जब कोई फेस्टिवल होता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप यूट्यूब की अर्निंग के ऊपर डिपेंड हो तो आप कभी भी मतलब मोटा नहीं कमा सकते, अंटिल अनलेस आपके काफी ज्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं तब हो सकते हैं आप 1,00,000 रुपए महीने की आपको यूट्यूब से अर्निंग आ रही हो। अब बात कर लेते हैं अगर भैया यूट्यूब पे अगर जो मोनेटाइजेशन से इतनी अर्निंग नहीं है तो कहाँ से अर्निंग है। तो यार यहाँ पे होते हैं स्पॉन्सर्स जो कि आपको काफी अच्छा खासा पे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपके 2 तरीके के वीडियोज होते हैं, एक इंटीग्रेटेड प्रमोशन, एक होते हैं आपके जो आप पर्टिकुलर प्रमोट करते हो किसी ब्रांड को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर, मतलब आप उसके अंदर उस वीडियो के मतलब उस एडवर्टाइजर या फिर उस ब्रांड के अलावा किसी की बात नहीं करोगे। एक होता है आपने जैसे मान लो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ब्लॉग के बीच में मैंने 30-90 सेकंड के अंदर मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है, मैक्स वाई जेड नाम ले लेता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 कंपनीज के जो है पेड प्रमोशंस कर चुका हूँ और वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ये चीज़ें रहती हैं और आगे भी मेरे कुछ टाइप्स हैं। तो उसमें क्या होता है, एक जो ब्रांड होती है ना वो डिपेंड करता है कितना पे कर रही है, सबका अलग अलग अमाउंट रहता है। बट अगर आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं तो आपकी जो 30 सेकंड का चार्जेस रहता है वो 30,000 से 40,000 रुपए होता है इंटीग्रेटेड वीडियो का, जिसमें आप 30 सेकंड का क्लिप डालोगे आप खुद बोलोगे। प्लस एक रहता है डेडिकेटेड वीडियो, वो थोड़ा कॉस्टली चला जाता है, ये डिपेंड करता है आपको बार्गेनिंग वगैरह करनी होती है। और अगर जिस लेवल पर मैं हूँ उस पर मैं आपको बता देता हूँ, आप एवरेज आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कैसे प्रमोटर्स मिले हुए, आपको कैसे स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं। तो इस लेवल पर भी मैं बोलूँ मिनिमम 10,000 से लेकर आप ज़्यादा तक, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, आपका नसीब अच्छा है, आपको अच्छे स्पॉन्सर्स मिल गए हैं तो आप 20-30 हज़ार भी कमा सकते हो, ज़्यादा भी कमा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, कई बार क्या होता है स्पॉन्सर सामने से आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, कई बार आपको उन तक पहुँचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और आप चाहते हो कि स्पॉन्सर्स किस तरीके से ढूंढें, किस तरीके से आप खुद सामने से स्पॉन्सर्स को अप्रोच करना सीख सकते हो, तो मेरे को कमेंट करके बताना। हो सकता है मैं इसके ऊपर एक सीरीज अपने चैनल पर लेके आऊँ और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊँ, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो तभी, वरना जो अपन लोगों का डेली ब्लॉग और ये चल रहा है गॉडेड रिव्यूज ये अपन लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो मेजर जो अर्निंग है ना वो आपकी यूट्यूब की नहीं है, स्पॉन्सर्स की है। और अगर आपके 10-15 लाख हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूं 30 सेकंड के भी 1-1, 2-2 लाख मिलते हैं डील के, और डेडिकेटेड वीडियो के 5-5, 6-6 लाख भी मिलते हैं। तो जितना एक टीवी सेलिब्रिटी वाले को शायद नहीं मिल रहे होंगे, उससे ज़्यादा कई बार यूट्यूबर्स को भी मिल रहे होते हैं, और जो नंबर वन पे यूट्यूबर्स हैं वो ऐसे ही करोड़ों के घर नहीं ले रहे हैं। तो उसके पीछे यही सारी चीज़ें, स्पॉन्सर्स हैं, ब्रांड्स हैं, वहाँ से मोटा पैसा आता है। तो हमेशा फोकस करो, यूट्यूब की अर्निंग पे डिपेंडेंट ना रहो, आप अदर स्पॉन्सर्स आप ढूंढो और वहाँ पे।
आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।